हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स. कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे. व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, देखने वाली हूँ. और राइट ना, आपके पर्सन के आपके लिए थॉट क्या है, उनके मन में आपको लेके फीलिंग क्या है. सो जनक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है. इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा, हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो. ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें. रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ सेलेक्शन एंड सब्सक्राइब करें. तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के आपके लिए राइट नाउ क्या थॉट चल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है. सो प्लीज़ डिवाइन एंजल वो हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस. फर्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास हेरियोफेंट का, फाइव ऑफ पेंटिकल. नंबर 5 5 की एनर्जी दो बार आई है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप्स की. आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बड़ी मुसीबत में है, एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है. ठीक है, करना बहुत कुछ आता आपके लिए, कर नहीं पा रहा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है. सो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ. राशि हमारे पास है सारी की सारी, चारों एलिमेंट आए हैं तो चारों एलिमेंट की 12 राशियाँ यहाँ पे कवर हो जाती है. तो आपका पर्सन किसी भी एलिमेंट का हो, सारी राशियाँ यहाँ पे हैं. सबसे पहले व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में, उनके घर में, उनके फैमिली में या तो किसी की बहुत मेजरली हेल्थ इशू चल रहे हैं, किसी का या तो एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है आपके पर्सन का भी हुआ है यहाँ पे. तो आप पता कर लो, उनसे बात कर लो, अगर इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप उनसे बात कर सकते हो तो हो सकता है आपके पर्सन का इस समय कोई एक्सीडेंट हुआ है या इनके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, या कोई हेल्थ इश्यूज आ गए हैं बहुत अच्छा खासा, मतलब जिसके अंदर शारीरिक रूप से भी नुकसान हुआ है और फाइनेंशियली रूप से भी नुकसान यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, या तो कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे दिख रही है. दूसरा, आप लोग के कनेक्शन में व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन इस समय एक ऐसी स्थिति में नज़र आ रहा है जहाँ पर वो मतलब स्टक हो गया है बहुत ज़्यादा. अब स्टकनेस की एनर्जी गाइस यहाँ पे दो तरफा नज़र आती है, एक यहाँ तो आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का कोई केस मुझे नज़र आता है. ठीक है, किसी तरह का कोई केस हो गया है, मे बी वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके केस है, या तो आपने किया है या थर्ड पार्टी ने किया है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है. आपका पर्सन हो सकता है उससे डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहा हो थर्ड पार्टी से, तो उधर से डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर किसी तरह के तलाक वलाक का केस यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर वो आप ही के साथ में लेने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह के केसेस को उनको फेस करना पड़ेगा. उनको बेसिकली चीज़ें बहुत इजी लग रही थी, लेकिन इजी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, लाइफ इनकी इजी गोइंग नहीं है. तो कोर्ट कचहरी के चक्कर यहाँ पे काटते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, हेल्प मांगते आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, अब इनको हेल्प यहाँ पे नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं ये कटघरे में मुझे खड़े हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं और ये इसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत परेशान, बहुत हताश और निराश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई है जहाँ पर कहीं ना कहीं इनको गिल्टी, जैसे कहते हैं ना, किसी को गलत ठहरा देना, उसको आप समझ सकते हैं ना कि गलत ठहराया ही है इनको, हर चीज़ के लिए इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऐसे एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है. तो इनके ऊपर केस भी नज़र आ रहे हैं मुझे, इल्ज़ाम भी नज़र आ रहे हैं, और लोगों और समाज की बिरादरी से ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं समय अपना जो फेस है वो हाइड करके चल रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे मिल रही है. तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं आपके पर्सन को 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेजेस को इस समय अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो गया, जैसे एक तो सज़ा सी मिल रही है इनको, सज़ा यहाँ पर है आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनको डर लग रहा है इनको सज़ा ना हो जाए. ठीक है, किसी, अगर आपने इनके ऊपर केस किया है तो मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति सज़ा से डर रहे हैं, इनको डर सा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से जाए, मतलब पैसा भी जाए, प्रॉपर्टी भी जाए और सज़ा भी हो वो अलग, और समाज में बदनामी होगी वो अलग है. ठीक है, शादी टूटेगी वो भी अलग है. तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समय बहुत सारी चीज़ें खराब होने का डर लग रहा है, एक शादी टूट जाने का, समाज में बदनामी हो जाने का, ये फेस कर रहे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो ओवरऑल मैं इस व्यक्ति की लाइफ में क्या देख रही हूँ कि ओवरऑल ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समय प्रॉब्लम को ही फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा व्यूवर्स, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय अपनी
अपने अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहा है। परिवार है, लोग हैं साथ में, लेकिन फिर भी अकेला है, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो ये व्यक्ति वैसे इस समय कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपने इनके ऊपर केस किया है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर अचानक से केस कर दिया, परिवार ने इनका साथ छोड़ दिया है। और आपके कनेक्शन में यहाँ पे एक और इशू जो मुझे नज़र आता है, अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और आप लोग फिर भी आपके पर्सन के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसकी एक मेन वजह यहाँ पे फैमिली हो सकती है। या तो शादी में ही फैमिली नहीं होने देना चाहती है, या फिर शादी अगर हो चुकी है तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग एक सफरिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और देख लेते हैं आपके पर्सन के और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। और क्या है व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में राइट नाउ, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं। आपके पर्सन देखो, सबसे पहला जो मैसेज आया है वो दिखाता है यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं द लव यू अलॉट। उनके मन में आपको लेके जरा सा भी मतलब ऐसा नहीं नजर आ रहा कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर दूरियां बनाना उनकी ख्वाहिश है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दूरियां वो मजबूरी के तहत यहाँ पे बना रहे हैं, वो आपसे दूर होना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी व्यूवर्स कि आपका जो पर्सन है देखो, तो वो आपका आपके प्यार में है, आपके साथ में प्यार वो निभाना चाहता है, अब निभाना चाहता है, पहले हो सकता है नहीं निभाना चाहता हो। कहीं ना कहीं आपको लेके हो सकता है ये सीरियस नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, या फिर आपके साथ में कमिटेड होते हुए ये दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं फ्लर्टिशियस एनर्जी में आपका पर्सन हो सकता है। तो ऐसी भी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त इन चीज़ों का परिणाम भी अपनी लाइफ में भुगत रहा है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, राइट, आपको भी अप्रोच तो करे, है ना। आपका सबसे पहले क्वेश्चन यही रेज होना चाहिए कि भाई सही है, सामने वाला व्यक्ति अगर प्यार करता है, उसको अपनी गलती का एहसास है तो सामने आए, क्यों नहीं सामने आ रहा, किस वजह से सामने नहीं आ रहा आपका पर्सन, चाहे मेल हो फीमेल हो। आपके पर्सन को व्यूअर्स आपसे क्या उम्मीद है, आप पहले उम्मीद पढ़ो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास में आए तो आप उनसे रिवेंज लोगे, ठीक है। उनको पहले वो कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है रिवेंज ले रहे थे, वो आपके साथ में रिवेंज वाली एनर्जी में थे, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे रिवेंज रिवेंज जैसे कि कहते हैं ना खेला जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स की, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि पहले आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया, आपके पीछे पड़े, लेकिन आपने उनको हो सकता है रिजेक्ट किया हो, या फिर आपने उनके साथ में रिश्ता रिश्ता नहीं बनाना चाहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों कम लोगों के साथ में ये बात रेजोनेट हो, बट इस व्यक्ति ने आपको फिर फुल्ली अप्रोच किया, जैसे कहते हैं ना उस बात को अपनी ईगो पे ले गए। ईगो पे ले जाने की वजह से व्यूअर्स इन्होंने कहीं ना कहीं आपको विवश कर दिया, इतना विवश कर दिया कि आप इनसे प्यार करने लगे। तो इनका जो मोटिव था ना वो बहुत ही क्लियर था, राइट। क्या क्लियर था कि एक बार ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, ये एक बार ये मेरी लाइफ में आ जाए, या फिर आप इनसे दूरियां बना रहे थे किसी तरह से। यहाँ पे ये भाई पूरा गेम खेला गया, प्लेयर वाली जो एनर्जी आई ना ये गेम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप समझो कि पहले आपने मना किया तो वो आपके पीछे पड़े, क्यों जिद थी कि इसको पाके रहूंगा फिर मैं इसे छोड़ दूंगा, तो इसको एहसास होगा छोड़ने का एहसास। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ये चीज़ें वाइस वर्सा में चल रही हैं, या तो आपका पर्सन आपको लेके ऐसा सोचता है कि ठीक है वो आपके पास में आएगा फिर आप उसे छोड़ दोगे, तो वो इन चीज़ों से डरता है फेस करने से, ठीक है, या फिर वो आपके साथ में ऐसा कर चुका है, तो इस वक्त वो फिर इस वजह से आपसे दूरियां बना रहा है, सामने नहीं आ रहा है, जबकि उसको रियलाइजेशन हो गया कि यार ये रिवेंज में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब एक एक गेम खेल दिया उन्होंने पूरा का पूरा, तो उसमें कहाँ से कहाँ मतलब चीज़ें बढ़ गई, कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई। तो एक सबक सिखाने वाली एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है एज ए गेम, ठीक है। तो इसको बहुत ही हम अच्छा नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन जब हो रहा है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था बेसिकली इस कनेक्शन के अंदर, तो डर भी है, लेकिन फिर भी व्यूवर्स आपके जो पर्सन है ना इस वक्त आपको कहीं ना कहीं अब उनके मन में आपको लेके जो फीलिंग्स है वो बदलने लगी हैं, चेंज होने लगी हैं।
का वो गेम सच्चे प्यार में बदल गया, आपके पर्सन को खुद नहीं पता चला। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि यहाँ तो बिल्कुल ही अलग सा ही सिनेरियो बन चुका है आप लोगों के बीच में, कि कभी कोई आपको सबक सिखाने चाहता था तो आज वो आपके प्यार में इतना ज़्यादा है कि वो आपसे प्यार कर बैठा है और आपके पाने के लिए आपके साथ में कहीं ना कहीं तड़प रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर, या फिर आपका पर्सन ही व्यूवर्स अगर आपके साथ में इस तरह से चीज़ें कर चुका है और अब उनको ये डर लग रहा है कि अब आप उनके साथ में वही चीज़ें ना प्ले कर दो जो कि वो आपके साथ में कहीं प्ले कर चुके हैं, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे चीज़ें मैसअप नज़र आ रही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, सो और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं आज रात इनके पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ईयरिंग स्टार सेट, देखो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपके पर्सन एक पॉज में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग द बैरियर की एनर्जी आ रही है। अब पॉज में जो एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है वो क्या दिखाती है, कि कहीं ना कहीं इस पॉज के दौरान जहाँ पर उन्होंने भी टाइम लिया है और आपने भी टाइम लिया है, या फिर ये कहें कि आपको टाइम दिया गया है, आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस कनेक्शन में रहते हुए। ठीक है, उन्होंने आपको बहुत वेट कराया, इवन दो उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी रखी ही नहीं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आप इमेजिन करके चल रहे थे कि ये व्यक्ति ने आपके मन में इतना प्यार दिखाया है, अचानक से चली गई, अचानक से चला गया, लौट के आएगी, लौट के आएगा, पर वो नहीं आया। राइट, वो व्यक्ति नहीं आया, और इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में व्यूवर्स कहीं ना कहीं एक सिर्फ इंतज़ार ही करते रह गए इस व्यक्ति का। अब इस इंतज़ार में व्यूवर्स ऐसा नज़र आएगी, कहीं ना कहीं आपने अपना सेल्फ लव करना सीख लिया है, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी सीख ली है, आपने अपने आपको ये समझ लिया कि यार झुकने की भी एक लिमिट होती है, किसी का इंतज़ार करने की भी एक लिमिट होती है, कब तक किसी का कोई इंतज़ार करेगा। तो आपने कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इंतज़ार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब तक ये व्यक्ति अवेकन हुआ, जब तक इस व्यक्ति को आपके प्यार का एहसास हुआ, जब तक ये चीज़ें इनको समझ में आई कि वो आप ही के लिए बने हैं या फिर आप उनके लिए बने हो, राइट, तो तब तक व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं अब राइट नाउ, जहाँ पर आपने ना सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाई है बाकी अपना एटीट्यूड भी बदला है, एटीट्यूड अपना लेके आ गए अंदर। अब ये नेगेटिव वे में चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है कि उनको आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले नज़र आ रहे हो, नाक पे जैसे मक्खी नहीं बैठने देना है, सीधे मुंह बात नहीं करनी है, ठीक है, या कहीं ना कहीं अकड़ दिखानी है, या फिर अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, सामने वाले की फीलिंग को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपके पर्सन आपको इस तरह से भी देख रहे हैं। तो आपके सेल्फ लव को वो एक अलग ही वे में देख रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव वे में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं, या तो उनको जागने में बहुत देर लग गई, ठीक है, रियलाइजेशन होने में आपके प्यार को बहुत देर लग गई, या फिर कहीं ना कहीं आप ही बहुत बदल गए इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ये इंतज़ार कहीं ना कहीं दोनों पर भारी पड़ा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी बदल गए। कहते हैं ना कि इंतज़ार कर रहे थे कि वो आज बदलेंगे, वो आज बदलेंगे, वो तो ना बदले लेकिन हम ही बदल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है तो ऐसा ही हुआ है व्यूवर्स आपके साथ में भी, कि वो उस इंतज़ार में ना तो वो व्यक्ति आया ना ही वो बदले, लेकिन आप ज़रूर बदले, आपका आपका आपकी फीलिंग्स, आपके डिज़ायर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके एक्सपेक्टेशन, आपकी लाइक डिसलाइक, आपका प्यार, हर चीज़ यहाँ पर आपने बदल दी, क्योंकि खुद को बदलना आपके हाथ में रहा लेकिन सामने वाले को बदल नहीं सके आप, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैरियर नज़र आते हैं, काफ़ी सारा जैसे कहते हैं ना बाउंड्री सेट हो गई वो नज़र आती है। अब आप दोनों का एक होना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, मतलब ऐसा भी लग रहा है जब वो आपके आपके साथ में होना चाहते हैं तो उनके लिए वही चीज़ें लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इस समय ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को व्यूवर्स यहाँ पे ये कहूँगी, या फिर आपके कनेक्शन को, दोनों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ मुझे बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही आपके पर्सन की यहाँ पे। ठीक है, इनके मन में डर देखो ना व्यूवर्स, कितने सारे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स इशूज़ नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे एक ही इंसान की लाइफ में चल रहा है, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, कुछ आपके पर्सन के, कुछ किसी और के पर्सन के, कुछ किसी और के पर्सन के, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर डर बहुत है आपके पर्सन की लाइफ में। एक सबसे ज़्यादा जो इनकी लाइफ में जो नज़र आ रहे हैं वो एक तो रिवेंज, ठीक है,
अदला बदली वाली एनर्जी, राइट? ये पहले उन्होंने आपके साथ में किया, फिर वो आपने उनके साथ में किया, फिर वो चीज़ें चली, गेम चल गया पूरा का पूरा, राइट? और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आप अपने अपने ही लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ईगो में जाते हुए नज़र आ रहे हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से रिप्रेजेंट हो रही है। दूसरा, इनकी लाइफ में केसेस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लॉ वगैरह है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये है, इनको मतलब लग रहा है जैसे चारों तरफ से यही मुसीबत में घिर गए। आपसे ज़्यादा मुसीबत आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में आ गई है, आपसे दूर जाके ये अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं उसका अंजाम। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे आप एनर्जी समझ सकते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ फीलिंग्स के लिए देख लेती हूँ, फीलिंग्स के कार्ड क्या बता रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात इनके पर्सन के फीलिंग। प्राउड, ठीक है, तो कुछ बातों में व्यूअर्स आपके पर्सन आपके ऊपर प्राउड करते हैं। प्राउड मतलब कि जो भी आपने इनके लिए दिया, इनके साथ में होते हुए आपने किया, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है। और कुछ लोगों में आपको आपके पर्सन आपके ऊपर खुद को ओवर प्राउड करता हुआ आपको पाते हैं, तो ये भी है, या तो आप अपने ऊपर ओवर प्राउड कर रहे हो या फिर ये आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं। होपफुल, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, यहाँ होपफुल नहीं, यहाँ पर हेल्पलेस होना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूअर्स की मैं क्या देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में जुड़ने की एक जो इच्छा है वो यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि वो आपको शायद पा सके, आपके साथ में कनेक्ट हो सके, बट उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। क्यूरियस है आपके पर्सन आपको जानने के लिए, मतलब आपके बारे में, आपके दिल में क्या है, क्या सच में जैसा ये सोच रहे हैं क्या आप वैसा ही इनके साथ में करोगे ट्रीट, तो ये भी आपके पर्सन जानना चाहते हैं। डेस्परेट है आपके पर्सन आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। गिल्टी हैं अपने किए पे, अपने किए पे यहाँ पे शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं, राइट? डिसअपॉइंटमेंट, मैंने बोला था ना आपको लेके, इनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है कि ये अपने सपने तो सजा रहे हैं, होपफुल इस तरह से हो रहे हैं कि यार वो शायद उसको पा सके, कनेक्ट हो सके, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी हैं कि सिर्फ उनका ये सपना सपना ना रह जाए। एनवियस की एनर्जी है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको लेके एक एनवियस की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आते हैं। तो आपके पर्सन आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं, आप जो एक्सप्रेशन है उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट कर रहे हैं आपको शो करने से, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? रजिस्ट मतलब रोकना खुद को। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग थी, रेजोनेट हुई हो तो इसे क्लेम करें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, ये चार्जेबल रीडिंग होती है पर्सनल लेवल पर। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।